हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कंटिन्यू चैप्टर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम जो कंटिन्यू है इसका। देखिए बहुत ही जरूरी पार्ट मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग को बहुत ध्यान समझना है आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो प्राइस सीलिंग क्या है देखेंगे, अब स्टार्टिंग समझते हैं हम। व्हेन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स मे बी सो हाई, जब हमारी एसेंशियल गुड्स यानी कि जरूरी जो डेली यूज की थिंग्स होती हैं गुड्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं तो द बल्क ऑफ द पुअर पॉपुलेशन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बाय देम। द बल्क का मतलब होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुअर पॉपुलेशन की जो संख्या है उसे परचेज करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। मीन्स जब इसेंशियल गुड्स की कीमतें बढ़ रही हैं तो बल्क ऑफ पुअर पॉपुलेशन, तो पुअर पॉपुलेशन उन्हें नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट लीड्स अंडर नरिशमेंट एंड मलन्यूट्रिशन, और इससे क्या होता है अंडर नरिशमेंट मतलब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, पोषक तत्व कम होती शरीर में, अच्छा खाना नहीं मिलता और मलन्यूट्रिशन हो जाता है। मलन्यूट्रिशन का किसे कहते हैं, कुपोषण, यानी पौष्टिक भोजन ना मिल पाना। सच सिचुएशन, अब क्या है देखिए, सच सिचुएशन ऑफन कंपेल्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्राइस सीलिंग। तो ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट को प्राइस सीलिंग के लिए कंपेल करती, कंपेल्स मतलब विवश करना होता है, मजबूर करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती, किस तरह से करती प्राइस सीलिंग, इट मींस क्या मतलब हुआ प्राइस सीलिंग का, इट मींस फिक्सिंग अ मैक्सिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करना, विच इज जनरली लोअर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, जो जनरली इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस्ड मार्केट प्राइस से कम होती है, यानी मार्केट प्राइस से भी कम कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसका जनरली मीनिंग प्राइस सीलिंग कहलाता है। सीलिंग मीन्स सिंपली हुआ मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, नो नहीं था सीलिंग। यहाँ देखिए सीलिंग में डबल एल बना है, स्पेलिंग रॉन्ग है। नेक्स्ट सीलिंग स्पेलिंग देखें, प्राइस सीलिंग मीन्स अगेन डेफिनेशन गिवन हियर, प्राइस सीलिंग मीन्स मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की मैक्सिमम प्राइस दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स, जिससे कि सेलर बायर्स से चार्ज कर सकता है। यहाँ पर मतलब देखिए थोड़ा सा बदल गया कि प्राइस सीलिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्राइस मतलब अधिकतम कीमत होती है किसी चीज़ की, मैक्सिमम प्राइस ऑफ एनीथिंग ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स, जो सेलर परचेज करने वाले से चार्ज करता है, यानी कि MRP कह सकते हैं हम। ऑफन द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है कि इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से कम प्राइस ही डिसाइड करती है, फिक्स करती है। ठीक है, सो दैट ताकि द पुअर कैन अफोर्ड टू बाय इट, ताकि गरीब से गरीब पर्सन इसको परचेज कर सके। तो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से कम प्राइस डिसाइड की गई होती है, वही तो प्राइस सीलिंग कहलाएगी। आगे हम देखिए इसको समझ लेते हैं इस फिगर के थ्रू। इसमें प्राइस सीलिंग सपोज देखिए 0, P*, and P, ये जो लाइन जा रही है प्राइस सीलिंग की लाइन हो गई है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, पहले प्राइस ये थी पी और ई तक जाने वाला पॉइंट, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। ठीक है, प्राइस गुड्स की प्राइस और यहाँ दिया है क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, तो इसमें मान लीजिए यहाँ इतनी क्वांटिटी बेची जा रही है और इस प्राइस पर बेची जा रही है, इस प्राइस पर परचेज करना आम आदमी के लिए मुश्किल था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लोअर प्राइस, इस मेन मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस P*, ये प्राइस लाइन बना दी कि इस प्राइस पर शॉपिंग की जाएगी, इससे कि गरीब पर्सन भी परचेज कर सके, डेली गुड्स की चीज़ें डिसाइड कर दी गई। अब समझ लेते हैं MDB के इंडिकेटर का, देखिए MDB, दिस इज MDB इज द डिमांड कर्व एंड MSB इज द सप्लाई कर्व ऑफ बाजरा। ये बाजरा का सप्लाई दिखाया गया है यहाँ पर, MSB क्या है, ये सप्लाई कर्व है बाजरा का, मैक्सिमम सप्लाई करवा बाजरा, और MDB डिमांड करवा बाजरा। ई इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ई है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है।
OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो OP यहाँ पर दिख रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, लेकिन इससे भी कम पर लोगों को परचेज कर पाए इसलिए डिसाइड की गई ये नेक्स्ट प्राइस सीलिंग लाइन। ठीक, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट, इसमें फैक्ट क्या है, द पीपल इन राजस्थान कैन नॉट अफोर्ड द बाय टू बाय बाजरा एट ओपी प्राइस। तो राजस्थान में रहने वाले लोग ओपी प्राइस पर बाजरा परचेज नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस सीलिंग एट ओपी स्टार। तो गवर्नमेंट ने ओपी स्टार प्राइस सीलिंग फिक्स कर दी, दिस वन जीरो एंड पी स्टार, ये इस प्राइस पर वो परचेज करेंगे। इट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती है। ठीक है,